हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस वी सूरत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एन सूरत इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी हमने लास्ट वीडियो एक देखा आई मीन लास्ट नहीं बट हाँ एस को कवर किया था जो अपडेट थी वो आपको प्रोवाइड की थी बट फिलहाल जो पोर्टल है आई I मीन mean, उस टाइम एक्टिव नहीं था बट अभी पोर्टल एक्टिव है लास्ट डेट ट्वेंटी ऑफ मे है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं और उसी से रिलेटेड जो सारी इफॉर्मेशन है ना उसे हम इस वीडियो में डिस्क करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे यहां पे आपको दिख रहा है इस पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद ये ग्रे कलर है इसलिए आपको शायद विजिबल ना हो एंड uh, yes तो उसी में एडमिशन का ऑप्शन उस पर क्लिक करना है ये पोर्टल ये पेज ओपन होगा इसमें पीएचडी का है ऑप्शन देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लायर जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो अप्लाई नाउ का पोर्टल एक्टिव नहीं था अभी एक्टिव भी है और अपडेट भी हो चुका है तो यहाँ से हमें सारी मिलेंगी इस पर्टिकुलर पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सबसे पहले तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है फी पेमेंट की ट्वेंटी में है फाइनल सबमिशन की थर्टी फर्स्ट है तो एक्चुअली यहाँ पहले फी पेमेंट करना है आई थिंक उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना तो उसमें लास्ट में आपको ऑनलाइन सबमिट करना है फाइनल सबमिशन फॉर्म का तो फी पेमेंट आप ट्वेंटी तक कर पाएंगे तो बेसिकली अप्लाई भी क्योंकि अगर फी पेमेंट नहीं तो फर्दर स्टेप्स पे आप जाएंगे नहीं तो हां ट्वेंटी सिक्स लास्ट डेट है एंड यहां पे एक और पॉइंट है फुल टाइम अगर इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ अगर आपको इंस्टीट्यूट से फेलोशिप चाहिए उस केस में यस yes, गेट या नेट आपके पास होना चाहिए तो गेट हो नेट हो या कैट एग्जाम हो कभी भी किया हो तो वैलिड हो या ना हो होट डजेंट मैटर बट हाँ आपने अपने एकेडमिक करियर में एक बार एटलीस्ट गेट या नेट या फिर कैट क्वालिफाई किया हो राइट देन इसी तरह से यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स हैं आफ्टर दैट uh, एक और बात कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो फाइनल फॉर्म होता है वो सब अपने पास प्रिंट आउट रखिएगा इंडिविजुअल टाइम आपको लेकर जाना होगा अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देन नोट में पॉइंट है तो ये उनके लिए है जो अभी अपियरिंग है तो सपोज आपने रिजटेशन सबमिट कर दिया है या फिर मतलब फाइनल नहीं हुआ है बेसिकली या फिर अभी एग्जाम वगैरह दिया है तो अपियरिंग है तो हाँ आप एलिजिबल हैं वट हाँ इसे ध्यान में रखिएगा कि फाइनल रिजल्ट्स फिफ्टी ऑफ सितंबर तक आपको सबमिट करने होंगे तो तब तक अगर हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं राइट ठीक है आफ्टर दैट एम टेक डिजोटेशन का जो आप प्रूफ है या वो जो भी प्रूफ सबमिशन का है वो इंटरव्यू के टाइम आपको सबमिट करना होगा ठीक है बाकी आप अभी के लिए अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हैं जो कि अपेंडिक्स वन सॉरी सिक्स में आपको मिल जाएगा नाउ एप्लीकेशन फी सो एप्लीकेशन फी जनरल ओ बी सी डब्ल्यू एस के लिए फाइव हंड्रेड है एंड टू फिफ्टी है फिर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैसे पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करना है दैन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो अप्लाई ऑनलाइन करना है मॉजल फायरफॉक्स यूज़ करेगा तो बेटर होगा कंपेटबल है यह पोर्टल फायरफॉक्स से देन आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट सेपरेटली अप्लाई करना होगा सेपरेटली रजिस्ट्रेशन एंड आपको सेपरेटली फ़ी पेमेंट करनी होगी ओके देन इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे पी फॉर्मेट लिखा है तो जो फ़िल्ड फॉर्म है उसका फॉर्म फॉर्मेट मतलब लाइक पी फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा तो उसे ज़रूर से अपने पास रखिएगा एंड इंटरव्यू के टाइम आपको ये सारी चीज़ें ले करके जानी होंगी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरी भी है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें हैं सैलरी स्लिप भी रहेगी लास्ट ट्वेल्व मंथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो देखिए फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स वो होंगे जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी देन फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स वो होंगे जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट स्टाइपेंट सब कुछ जो है स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा फिर उसके बाद अपेंडिक्स वन है जिसमें कि स्पॉन्सरशिप लेटर है इंटरव्यू या टेस्ट के टाइम जब भी रिक्वायर्ड होगा वो आपको सबमिट करना होगा तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसको अरेंज कर लीजिएगा अपनडिक्स टू में है बाकी रिलीविंग सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन के टाइम सबमिट करना होगा तो सेपरेट चीज़ें हैं आपके लिए सेपरेट कैटेगरी वाइज है नेक्स्ट यहाँ पार्ट टाइम इंस्टीट्यूट फैकल्टी या स्टाफ के लिए भी है फिर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए भी पी अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें हैं नेक्स्ट कैटेगरी पी है दैट इज़ पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैंडिडेट तो जो अपना रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूट या अपने ऑर्गेनाइजेशन पर बाकी सारी चीज़ें हैं ठीक है फेलोशिप सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से देन यस फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस भी है तो आपको कहीं से फेलोशिप नहीं मिलेगी खुद को आप स, uh, मतलब इंस्टीट्यूट से एक तरह से नहीं मिलेगी और कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर भी नहीं करेगा आप खुद को ही सपोर्ट करेंगे देन स्टडी लीव कैंडिडेट्स भी कैटेगरी है जो फुल टाइम वर्क करेंगे इंस्टीट्यूट पर तो हाँ ये कैटेगरीज हैं बाकी अच्छे से देख लीजिएगा अभी हम प्रोस्पेक्टिस वगैरह ओपन करेंगे तो जिस कैटेगरी में है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको मिले वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसे चेक करिएगा बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं होम है देन एडमिन पोर्टल है एडमिशन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फ्लो कॉन्टैक्टस एंड अप्लाई नाउ तो अप्लाई नाउ पता है अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं रजिस्टर जो भी प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन डिटेल्स मिलेंगे हम देखेंगे वन बाय वन बट एक साथ देखेंगे तो इसलिए पहले मैं डिस्कस कर ले रही हूँ एप्लीकेशन फू फ्लो ओवरऑल प्रोसेस है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं पहले सो so ये है पूरा फ्लो या काइंड ऑफ प्रोसेस तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट शॉट वाइज सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी तो इसको देख लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं नाव कॉन्टैक्टर्स तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखिए इंक्वायरी के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी नंबर दोनों है पीएचडी डेस्क भी है देन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए हमारे यहाँ सेक्शन है तो अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर अप्लाई नाउ का है ये ऑप्शन तो ये रहा पोर्टल सारी चीज़ें टिक कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें अपने पास रखिएगा फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं देन एडमिशन इंफॉर्मेशन है तो येस यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट्स हैं ट्वेंटी अप्रैल से स्टार्ट हुआ है बाकी यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें हैं बट फिलहाल आपकल इंपॉर्टेंट ट्वेंट्रेड ट्वेंटी सिक्स में तब तक फी पेमेंट कर दीजिएगा और फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट है प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करिएगा एंड बाकी और भी जो डेट्स हैं वो सारी दी हुई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स में यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग अभी अवेलेबल है देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री I mean electrical engineering, then chemistry, physics, computer science and engineering, AI, artificial intelligence, then humanities and social sciences, maths and management studies. ठीक है, तो चलिए अब हम eligibility criteria देख लेते हैं। So yes, उस link पे click करके आप pre-requisites देख सकते हैं, इसे download कर सकते हैं। Important है, तो इसे देख लीजिएगा एक बार। So हमें specifically criteria discuss करना है, बाकि यहाँ categories वगैरह भी हैं, तो full time, part time दोनों हैं, ये सबके degrees हैं। ओवरऑल कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हैं नौ क्राइटेरिया में देखिए मास्टर्स डिग्री है सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ या सिक्स जी के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए ठीक है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए है फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स का क्राइटेरिया नेक्स्ट गेट नेट का हमने बता दिया इंस्टीट्यूट फेलोशिप चाहिए तो रिक्वायर्ड है देन यहाँ पे इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक जैसे कि अगर फुल टाइम एम टेक प्रोग्राम एस वी एन आई टी से आपने किया है या कर रहे हैं एंड उसे आप पी एच डी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप वो लिखा है ये तभी है वैसे जब एट सी जी हो या ऐसा कुछ तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा ए बी सी ऐसे कुछ सब पॉइंट्स भी हैं तो इन्हें भी चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट है डायरेक्ट पीएचडी के लिए तो बैचलर्स डिग्री सी एफ से है जैसे आई टी से एन आई से है उस केस में आप कर सकते हैं डायरेक्ट पी के लिए अप्लाई बट हाँ सी जी रहा हो वैलिड गेट हो टॉप फिफ्टीन स्कोरर में आप हों फाइनल सेलेक्शन रिटर्न इंटरव्यू जो भी होगा उसी के थ्रू होगा फर्स्ट टू सेम में थर्डी एट क्रेड्स होंक्सेट्रा एक्सेट्रा तो यस इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो इन्हें देख लीजिएगा अगर आप कैटेगरी में हैं बाकी फिर ओवरऑल जो रिसर्च प्रोग्राम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है को स्ट्रक्चर एंड बाकी सारी चीज़ें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो फिलहाल हमने देख लिए हैं अगर आपको लगता है कुछ और कवर करना चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कोई और इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड येस yes, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच अपडेट्स एंड येस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो